हेलो एवरीवन, आज के सेशन में हम लोग सीखेंगे कि वेबसाइट में इमेज को कैसे लगाते हैं। कोई भी वेब पेज है या कोई भी वेबसाइट है, उसमें अगर हमें इमेज को इंसर्ट करना है, इमेज लगाना है, तो कैसे हम लोग HTML में लगा सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे देखिए एक फोल्डर है जिसमें HTML ट्यूटोरियल लिखा हुआ है, और यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे टेस्ट टू डॉट करके जो है ना आपका एक क्रोम ब्राउजर का लोगो दिख रहा है और एक फोटो है। इस पिक्चर को हमको जो है ना लगाना है, और ऐसा कोड पहले हम लोग ओपन कर लेते हैं यहाँ पे नोट पैड प्लस प्लस में। ये कोड आप देख रहे हैं HTML है, उसके बाद में हेड है, हेड के अंदर में टाइटल है, टाइटल का जो है ना हमें यहाँ पे दिया है इंसर्ट इमेज, और बॉडी है। बॉडी में अभी कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। अगर इसको हम सेव करके एक्सक्यूट करते हैं कि इसका क्या रिजल्ट आता है, तो आप देखेंगे इसको, यहाँ पे देखिए कुछ भी नहीं है, बॉडी में कुछ भी नहीं है, और टाइटल में क्या आ रहा है, इंसर्ट इमेज आ रहा है। तो कैसे करेंगे इंसर्ट, चलिए हम लोग कोडिंग करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले तो हेडिंग दे देते हैं हम इसका कि क्या हेडिंग है इसका। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं पहले H1 क्या करने जा रहे हैं H1 में, और इसका फिर क्लोजिंग करेंगे, क्लोजिंग करेंगे H1 से। तो यहाँ पर क्लोजिंग, इसके अंदर हम लिखते हैं इंसर्ट इमेज इन HTML, इंसर्ट इमेज इन HTML, ये हमारा जो है ना हेडिंग हो गया। और इसको हम सेव करके और एक्सक्यूट करके देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। देखिए इंसर्ट इमेज इन HTML आ गया। अब हमें इंसर्ट करना है इमेज, उसके लिए हम लोग क्या कोड लिखेंगे वो देखिए ध्यान से। यहाँ पे देखिएगा हम लोग यहाँ पे ओपनिंग किए, और इसमें कोई भी क्लोजिंग टैग नहीं होता है इमेज इंसर्ट करने के लिए। इमेज इंसर्ट करने के लिए आपको लिखना होता है IMG, IMG दैट मीन्स की इमेज, और उसके बाद यहाँ पे स्पेस देंगे, और इसका सोर्स फाइल इसको इंडिकेट करेंगे कहाँ से इस सोर्स को उठाएगा। तो उसके लिए हम लिखते हैं SRC, आप इसको सोर्स या सर्च कर सकते हैं। इसका जो है ना इस एट्रीब्यूट का वैल्यू देंगे, और वैल्यू को इक्वल टू में करके और डबल कोट देंगे। इसके अंदर में वैल्यू देना है, वैल्यू दैट मीन्स की नाम देना है जिस फोटो को हमें उठाना है। तो फोटो कहाँ पे है, तो इस फोल्डर में है, और इस फोटो को देखेंगे तो इस फोटो का आप देखेंगे कि इसका अगर हम देखते हैं कि इसका कौन से एक्सटेंशन नेम है इसका, उसका डिटेल्स देखना होगा। एक्सटेंशन नेम में हम डिटेल्स देखेंगे, तो देखिए आपका जो है ना ये JPG फाइल है, JPG फाइल है, JPG हो सकता है, और या कोई भी एक्सटेंशन होता है, तो एक्सटेंशन आपको बताना पड़ेगा। यहाँ पे JPG है, और इसका नाम जो है ना यहाँ पे हम कॉपी कर लेते हैं, ये नाम हम कॉपी कर लिए और JPG है। तो यहाँ से हम यहाँ पे कोडिंग में वैल्यू दे रहे हैं, आलोक नाम हो गया, और डॉट क्या कर दे रहे हैं JPG, क्योंकि JPG फॉर्मेट में है। और इसको क्लोजिंग नहीं करना होता, यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश लास्ट में आपको यूज करना होता है। बस ये आपका काम हो गया। अब इसको हम सेव करते हैं, और सेव करने के बाद इसको हम एक्सक्यूट करके देखते हैं। देखिए यहाँ पे इमेज नहीं आया है, इमेज नहीं आया है तो क्या कारण है, आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे इमेज SRC इक्वल टू ALOK यहाँ पे डॉट JP, JP देखिए JPG होना चाहिए, तो JGP हो गया है, तो यहाँ पे एक्सटेंशन गलत हो गया है, इसलिए जो है ना नहीं आते। यहाँ पे JPG करेंगे, और उसके बाद जो है ना यहाँ पे सेव करेंगे। तो सेव करने के बाद अब एक्सक्यूट करते हैं, तो ये देख रहा है आपका इमेज जो है ना इसमें इंसर्ट हो गया वेबसाइट में। अब इस इमेज को हम लोग छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। सबसे पहले इसको हम लोग मिडिल में कर लेते हैं, और यहाँ पे बॉडी के बाद जो है ना एक सेंटर टैग हम यूज करते हैं, जिससे कि हमारा सभी जो है ना सेंटर से क्या हुआ कि सब कुछ बीच में आ जाएगा। और यहाँ पे हम लोग एक सेंटर टैग लगा देते हैं क्लोजिंग, ये हो गया आपका सेंटर, ठीक है, ये लग गया। अब इसको जो है ना सेव करके और इसको एक्सक्यूट करते हैं, तो आप देख रहे हैं ये आ गया बीच में। अब इस इमेज के साइज को घटाना है, बढ़ाना है, जिस हिसाब से आप विड्थ है और हाइट इसका सेट करना चाहते हैं सेट कर सकते हैं, जैसे हम करके दिखा दे रहे हैं यहाँ पे आपको। इसके बाद जो है ना JPG के बाद यहाँ पे अगर हमको विड्थ सेट करना है, तो विड्थ WIDTH और इक्वल टू, और इस विथ क्या हो गया एट्रीब्यूट हो गया, और इसका वैल्यू देंगे डबल कोट में, तो हम यहाँ पे दे रहे हैं आपको 400, 400 दे करके, और इसको सेव करते हैं। और अब देखते हैं इसका साइज क्या होता है। देखिए इसका साइज जो है ना अब इसका छोटा हो गया। इसके साथ जो है ना इसका हाइट भी आप दे सकते हैं, इसका हाइट अगर यहाँ पे हम देना चाहते हैं, तो यहाँ पे HEIGHT हाइट एट्रीब्यूट हो गया, और इक्वल टू में यहाँ पे डबल कोट्स में भर देंगे, यहाँ पे हम देते हैं 800। अब इसका साइज देखेंगे किस तरह से हो जा रहा है विथ एंड हाइट देने के बाद।
अब यहाँ पे देखेंगे एक्सक्यूट करके, तो देख रहे हैं ना कैसे हो गया। तो यहाँ पे हाइट बहुत ही ज़्यादा हो गया। आपको रिकमेंड किया था कि दोनों में से कोई एक ही सेट करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। अगर 400 हम यहाँ पे सेट करते हैं, अब देखिए इसका क्या हो जाता है। इसका ये देखिए इस तरह का जो है ना पिक्चर आ गया। तो हाइट और विथ दोनों आप सेट कर सकते हैं, लेकिन रिकमेंडेशन ये रहता है कि दोनों में से किसी एक को सेट करेंगे, दूसरा जो है ना ऑटोमेटिकली वो सेट हो जाता है। अगर यहाँ पे 400 की जगह पे यहाँ पे हम 200 कर देते हैं, और तब जो है ना इसको सेव करके आप एक्सक्यूट करके देखेंगे किस प्रकार से आ रहा है। देखिए ये छोटा हो गया। तो अपने हिसाब से जो है ना इसका साइज जो है ना, अगर यहाँ पे 500 करते हैं और उसके बाद जो है ना इसको एक्सक्यूट करते हैं, तो देख लीजिए आप अपने हिसाब से इसको जो है ना छोटा या बड़ा वेबसाइट में कर सकते हैं। कहाँ पे लगाना है, लेफ्ट में, राइट में, मिडिल में, बॉटम में, टॉप में, तो भी हम लोग आगे देखेंगे। आज हम लोग सीखे इंसर्ट करना इमेज अपने वेबसाइट में। इंसर्ट करने के लिए IMG टैग का यूज करते हैं, और सर्च SRC में जाकर के सोर्स फाइल का नाम देते हैं, मतलब कि उस फाइल का नाम क्या है, आपके इमेज का नाम क्या है। हम यहाँ पे इमेज का नाम दिए थे ALOK, आलोक। अगर आप चाहें तो इमेज दे सकते हैं, फोटो दे सकते हैं। अगर फोटो देंगे तो photo.gf, यानी कि जो आपका नाम होगा फोटो का, उस नाम के साथ उसका एक्सटेंशन नेम जुड़ेंगे, .jpg, .jpeg या अदर कोई एक्सटेंशन है तो उसको ऐड करेंगे और एक्सक्लूड करेंगे, आपका इमेज इंसर्ट हो जाएगा। तो इसको आप करके एक बार प्रैक्टिकली देख लेंगे।